लेकिन सर सर्वे करने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं प्रॉब्लम हर बार सर्वे के अगेंस्ट बिल्कुल है, बिल्कुल है, करने से डिटेल्स ही पता चलेगी ना, और उसके आगे नहीं, बिल्कुल है, इसलिए कि वो ऑलरेडी प्रूवन है कि यहाँ पर ईदगाह है, वहाँ पर मंदिर है, और 1968 में अक्टूबर 12 1968 में शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्णा जन्मस्थान का एक एग्रीमेंट हुआ, और शाही ईदगाह ट्रस्ट ये जो एग्रीमेंट श्री कृष्णा जन्मस्थान से किया उसका उनको अप्रूवल मिला उत्तर प्रदेश के सुन्नी वक्फ बोर्ड से। 19 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अभी भी है, पार्लियामेंट का कानून है, लॉ है 1991 का, जो ये कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, चाहे वो मुसलमान के हो, हिंदुओं के हो, ईसाइयों के हो, सिख के हो, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और आखिरी बात यह है कि लीगल एक्सपर्ट्स ये उनका मानना यह है कि सिविल डिस्प्यूट में अगर कोई सर्वे होता है तो लास्ट रिसॉर्ट होता है, आप पहला रिसॉर्ट में सर्वे कर रहे हैं। आप हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ की ईदगाह ट्रस्ट के लोग इस गलत ऑर्डर के खिलाफ वो अपील करेंगे और कोर्ट उस पर देखेगा। बीएचपी जिस तरीके से आपकी कोई बयानबाजी कर रही है और आपको भड़काऊ भाईजान करके नाम दे रही है और इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रही है, आप क्या? नहीं, वो लोग तो यही चाहते हैं कि दोबारा मुल्क में विश्व हिंदू परिषद आरएसएस यही चाहती है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है, कि दोबारा इस मुल्क में जो 1980s में और 90 में जो मुल्क में जो नफ़रत की फिजाएं उठी थी वही माहौल देखना चाहते हैं। और ये बड़ी हैरतअंगेज़ बात है कि बीजेपी सत्ता में है और देश के प्रधानमंत्री विश्व हिंदू परिषद को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। कंट्रोल इसलिए नहीं कर रहे हैं, या तो फिर वो उनकी नहीं सुनते या फिर प्रधानमंत्री खुद खामोश बैठे हैं कि चलो तुम लोग पुकारते रहो। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।